सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंडियन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिले मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले। दोस्तों आज हम बात करेंगे बोया MM1 माइक के बारे में और ये है होलोग्राफिक स्टिकर, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये एक जेन्युइन बोया MM1 माइक है। साइड में आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी और दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको इंपोर्टर की डिटेल मिल जाएगी। साथ में प्राइस मिलेगा लगभग जो लिखा हुआ है 4,500 रुपये, लेकिन ऑनलाइन बड़े आराम से आपको 2,500 रुपये तक में मिल जाएगा। अब ISO करते हैं सेट और आपको बता देते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर मिलेगा, किस चीज़ से कंपैटिबल है। तो स्मार्टफोन या DSLR कैमरा दोनों आप इसके ऊपर चला सकते हैं। साथ में आपको इसके अंदर मिलेगी एक विंडशील्ड, यानी कि आप अगर जहाँ पर हवा चल रही है वहाँ पर भी आपकी रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो जाएगी। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी, इसके अंदर बैटरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और बाकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। अब बॉक्स को करते हैं ओपन और देखते हैं हमको बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो दर्शन हो जाते हैं हमारे को ये विंडशील्ड के, और अगर डब्बे से बाकी सारा सामान हम निकाल दें तो नीचे रखने पे आपको दिख जाएंगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो इसको एक एक करके हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको तो हम भूल ही गए। पहले तो आपको मिलेगा ये एक, और लगभग सभी लोग भूल जाते हैं, जो मैनुअल होता है कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इसके अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी कहाँ पर आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो आपको मिलेगा एक वारंटी कार्ड, जो कि मुझे लगता नहीं, मेरे को पता नहीं कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसे यूज़ करना चाहिए, इस वारंटी कार्ड से आप कैसे वारंटी लेंगे, तो आप भी इसको संभाल के अपने पास रख सकते हैं। तो मेन चीज़ की बात करते हैं, पहली वायर जो आपको मिलेगी वो आप अपने स्मार्टफोन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी वायर की अगर बात करूँ तो ये है आपके DSLR के लिए। तो इस वायर को भी आप साइड में रखते हैं और देखते हैं इनके स्टैंड को, जो माउंट करेंगे आप अपने DSLR के ऊपर। क्वालिटी मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है, और मैं लगभग 3 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत भी नहीं आई है। अगली बात करें तो ये है वो सिलिका, जो ये नीचे चींटी घूम रही, इसके लिए या फिर आपके घर में जो चूहे हैं उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है वो कवर, जिसको अगर आप माइक को एक बार लगा देंगे DSLR के ऊपर तो शायद आपको इस कवर की ज़रूरत ना पड़े, पड़े तो आप रख सकते हैं। और ये है बोया का MM1 माइक, साथ में इसके विंडशील्ड ऊपर लगी हुई है और लगभग 2-3 हफ्ते से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आप ये जो इस टाइम वॉइस ओवर सुन रहे हैं ये भी इसी बोया MM1 माइक से है। तो ये एक तरह से शॉटगन माइक है, ये देखने में ऐसा लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको आवाज़ की क्वालिटी पसंद आई तो बोया MM माइक आप खरीद सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।